बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको इस चैनल में खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बटन को के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये किस यहाँ पे शुरू होती है कि उमर और सिनान बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि आज का दिन काफ़ी बिजी गुजरा है, अब हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो उमर कहता है कि तुम जाओ और सीधा भी यहीं पे आया और तुम जाके उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो। फिर उमर जो है वो कहता है कि ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो पामीर होता है वो सीधा के रूम में जाता है और तो कहता है तुमने ये जीन्स पहनी हुई है। सीधा कहती है हाँ ये कम्फर्टेबल है। तो जो पामीर कहता है चलो तुम भी सिनान के साथ टाइम स्पेंड करो। यहाँ पर जो होती है डेफनी वो दारिया को फ़ोन करती है उमर को मैसेज देने के लिए। अभी वो बात ही कर रही होती है कि सीधा आ जाती है। वो कहती है सिनान से कहो कि मैं गार्डन में उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो जाके उसको दारिया बताती है कि आपका किचन में सीधा इंतज़ार कर रही है। फिर उसके बाद उसको उमर मिल जाता है और उमर से कहती है कि डेफनी आपका गार्डन में इंतज़ार कर रही होती है। तो यहाँ पर जब सिनान उसका दारिया के बताए हुए ड्रेस पर पहुँचता है तो किचन में तो डेफनी होती है और जब उमर गार्डन में पहुँचता है तो वहाँ पर सीधा होती है। यानी कि डेफनी से सारा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। फिर वो सिनान देखता है कि वो खाना बना रही है तो उसके साथ बैठ कर ऑमलेट खाना शुरू कर देता है। यहाँ पे सीधा और उमर आपस में बातें करते हैं तो कहते हैं इस तरह लगता है कि डेफनी किचन में और तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। फिर जो होती है दारिया और मिल्के इनको बताती है कि उससे गलती हो गई है। फिर ये वो अपनी मिस्टेक को दुरुस्त करती हैं। इसके बाद जो होती है सीधा वो किचन में आती है लेकिन वो नहीं मिलता तो वो अपने अपने रूम में चली जाती हैं। वहाँ पे जाके वो ऑमलेट का ऑर्डर देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सिनान और उमर मिलते हैं। उमर भी जो होता है वो डेफिनेट से कहता है कि मैं फ़लाँ रूम में हूँ तो वहाँ पर आ जाना। तो वो रूम बताते हैं उसको, सिनान उसको रूम बताता है। वो गलती से रूम को नंबर गलत बता देता है। फिर उमर वहाँ पर रेडी होकर जाना सोचता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। फिर वो वहाँ पर जाता है तो फ़ोन करता है तो वहाँ पर आगे से सीधा निकल आती है। बेचारी उसको देख कर गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। यहाँ पर डेफनी जो होती है अपने कमरे में होती है तो वहाँ पर पामीर आ जाता है और पामीर उसको कहता है कि चलो आप कुछ देर के लिए कुछ इंजॉय करते हैं। तो वो कहती है नहीं मैंने फ़लाँ रूम में जाना है और वहाँ पे मेरी मीटिंग है। तो वो कहता है अच्छा, वो वहाँ पे चला जाता है क्योंकि उसको तो पता होता है वो सीधा का रूम है। वो कहता है स्ट्रेंज मैं वहाँ पर जाता हूँ। जब वो उमर उसको पट्टी करके बाहर निकलने लगता है तो पामीर वहाँ पर आ जाता है। पामीर जब जाने लगता है तो वहाँ पर सिनान आ जाता है। फिर सिनान साहब को बताता है कि क्या हुआ था। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद डेफनी आ जाती है तो वो डेफनी को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो फिर उनको पता चलता है कि गलती से रूम नंबर गलत बता दिया था। फिर ये इंजॉय करते हैं सारी सिचुएशन को। डेफनी अपने कमरे में चले जाती है। उमर कहता है दरवाज़ा खोलो। वो कहती है आप तो मैं अभी अर्जेंट ही रिज़ाइन दूंगी, देखो मुझे किस तरह की शर्मिंदगी हो रही है और मैं किसी से नहीं मिलूंगी। फिर डेफनी दरवाज़ा नहीं खोलती और उमर से नहीं मिलती। इधर सीधा जो है वो पामीर के साथ बैठी होती है। पामीर कहता है मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया, बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन थी। फिर आगे हम देखते हैं पामीर, आगे हम कोरे को देखते हैं। कोरे जो है वो नरमीन के पास आता है तो वो फिर उसके साथ बातें करती है। कोरे कहता है माजी को याद करके तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, बहुत अच्छी हो, ये है वो है। वो आपस में बातें करते हैं, फिर टाइम स्पेंड करते हैं। आखिरकार कोरे जो होता है वो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाना शुरू कर देता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि सीधा को दिखाया जाता है। सीधा जो है वो वॉशरूम में कुछ सोचती है, अभी रेडी होती है। फिर उसके बाद उसको कॉरिडोर में जाते हुए दिखाया जाता है तो वह सिनान के रूम में चली जाती है। यहाँ पे वो सिनान के रूम में जाती है तो सिनान हैरत से उसको देखता है। फिर उसके बाद वो किस करते हैं। फिर अगला सीन आ जाता है, सुबह को दिखाया जाता है कि उमर जो है वो डेफनी को मिलता है। वो हॉल में होती है तो आके उसको वहाँ पे किस कर लेता है सबके सामने। फिर वो कहता है कि चलो मैं अभी आता हूँ, फिर बाद में मुलाकात होगी। यहाँ पर वो दोनों फिर घर जा रहे होते हैं वापस। तो सीधा डेफनी और दारिया होती है। दारिया कहती है पता नहीं आज जो उमर और सिनान बहुत ही खुश थे, पता नहीं क्या हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोरे और नरमीन आपस में बातें करते हुए दिखाई जाते हैं। वो भी प्लानिंग करते हुए कहती है मैं उमर से मिलूंगी। यहाँ पे उमर जो है दादा के पास आता है क्योंकि सिनान ने उसको बताया होता है कि दादा ने नजमी को और नरमीन को घर से बाहर निकाल दिया है। डेफनी ने उनको जाके सारा कुछ बताया था। फिर उमर उनसे कहता है कि दादा आप गलती पर हैं और अब आप ऐसा नहीं करेंगे और उनको उनके घर में वापस भेज दें। दादा फिर उसकी बात पे मान जाते हैं और यहीं पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।